सुप्रीम कोर्ट ने असम में शुरू हुई परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। 11वीं मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इससे मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। जिला जज ए के विश्वेश के आदेश के बाद एएसआई की 43 सदस्य टीम 11वीं का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुनवाई करते हुए एससी ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी और मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। अब इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल यानी मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में जम्मू कश्मीर री ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल ला सकती है। खबर है कि इस बिल में नामांकन के आधार पर कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित कुल सीटों के अलावा 2 विधानसभा सीटें होंगी और पीओके से विस्थापित समुदायों के लिए 1 सीट होगी। जम्मू कश्मीर में गठित परिसीमन आयोग ने नामांकन के आधार पर विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 विधानसभा सीटें और पीओके से विस्थापित समुदायों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने असम में शुरू की गई परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राज्य में परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में कोई और कदम उठाने के लिए चुनाव आयोग को रोकने वाला कोई आदेश जारी नहीं करेगा। हालांकि कोर्ट चुनाव आयोग को परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार देने वाले कानूनी प्रावधान की वैधता की जांच करने को तैयार हो गया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर 3 हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा है। दरअसल असम के 9 विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग द्वारा राज्य की 126 विधानसभा और 14 लोकसभा सीटों के परिसीमन के मसौदा प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक नाबालिग लड़की की पहचान उजागर करने और उस पर 3 लोगों द्वारा मणिपुर में हाल की घटना का अपराधी होने का आरोप लगाने के मामले में मणिपुर के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है और मामले की तत्काल जांच करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि आरआरटीएस यानी दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ की बकाया राशि 2 महीने के अंदर जमा करे। आरआरटीएस प्रोजेक्ट में देरी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए एससी ने कहा कि जब 3 सालों में सरकार विज्ञापनों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी फंड देना चाहिए। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में हुई मामले की सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पिछले 3 सालों में विज्ञापनों पर किए खर्च का ब्यौरा मांगा था। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक कल यानी मंगलवार को मुंबई में भारी या बहुत भारी बारिश हो सकती है। 25 जुलाई को मुंबई में 115.6 से 204.4 मिलीमीटर बारिश की संभावना जताई गई है।